वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र जूनागढ़ से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, आने वाले भविष्य के बारे में जानना सरल नहीं होता है। यही कारण है कि हम केवल अपने भविष्य को लेकर सपने ही बुनते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ हद तक पता चल जाए कि आपका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ेगा या आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आने वाले समय में आएंगे, तो आप वर्तमान में अपने कर्म पर अधिक ध्यान दे पाएंगे और भावी जीवन में अपने मनचाहे लक्ष्यों को हासिल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के जरिए ऐसा संभव है। आपकी कुंडली के जरिए लगभग सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यानी पूरे 60 साल का जीवन कैसा रहेगा। आज मैं आपको मीन राशि के 60 वर्ष तक के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। अगर आपकी राशि मीन है तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और सुनिए। आपको कई ऐसी बातें इस वीडियो में पता चलेगी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसलिए अपने भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के तक अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने कोरोना से लेकर वायु दुर्घटना तक कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है। हाल ही में 14 मार्च को सूर्य परिवर्तन के समय भविष्यवाणी करते हुए मैंने कहा था, दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के साथ भारत के पूर्वांचल गुजरात कच्छ में हलचल लोगों को मानसिक तनाव उत्पन्न करेगी। अब आप देख भी रहे हैं कि 21 मार्च को रात 10:19 पर दिल्ली, पंजाब सहित उत्तराखंड, यूपी तक भूकंप के झटके महसूस हुए थे। तो राजनीतिक हालत पर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और ये मेरी भविष्यवाणी 100% सही साबित हो रही है। यकीन के लिए ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। दोस्तों, आइए अब मैं आपको यानी मीन राशि वाले जातकों के जीवन के बारे में विस्तार से महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। आपकी राशि मीन राशि चक्र की अंतिम यानी 12वीं राशि है। द च छ अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आप मीन राशि के जातक हैं। आपके व्यवहार और गुणों की बात की जाए तो आप भावुक व्यक्तित्व वाले होते हैं। दोस्ती ब्याह का उम्र निभाते हैं। पढ़ने लिखे में खूब रुचि रखते हैं और अलग अलग जगहों की यात्रा करना, नई चीजों का जानना आपको पसंद होता है। आप जो भी काम करते हैं उसे ईमानदारी और लगन से करते हैं। यही कारण है कि आपकी अपने क्षेत्र में एक खास पहचान होती है। दोस्तों, यह था आपकी यानी मीन राशि की विशेषताएं है। अब आपके जीवन के अन्य पक्षों के बारे में भी कुछ अहम बातें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी बाल अवस्था से शुरुआत करते हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि पुत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो मीन राशि वालों यानी आपके साथ भी ऐसा ही है। आप बचपन से ही स्वभाव से शांत होते हैं, साथ ही आपका मन पठन पाठन में छुटपन से ही बचपन से ही लगने लगता है। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति जी को देवताओं का गुरु माना जाता है और जब वह आपके राशि के स्वामी होते हैं तो आपको ज्ञान का आशीर्वाद तो देंगे ही, इसीलिए आप बचपन से ही ज्ञान को महत्व देते हैं और अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा समझदार होते हैं। इसी समझदारी के कारण घर परिवार से लेकर नाते रिश्तेदारों तक में आपकी खूब तारीफ होती है। आपको एक मैच्योर बच्चे के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, जब बचपन में ही आपकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है तो युवावस्था में आकर भी उसका फायदा आपको अवश्य प्राप्त होता है। आप कॉलेज में स्टडी में एक लीडर की भूमिका में हमेशा आगे आते हैं। अब हर काम को आसानी से कर पाते हैं। यही कारण है कि मीडिया मैनेजमेंट जैसी फील्ड में आपको खूब तरक्की मिलती है, क्योंकि आप हर वर्ग से पीछे नहीं रहते हैं तो अपनी फील्ड में शिखर तक पहुंचते हैं, खूब सफलता हासिल करते हैं। मीन राशि वालों, मेरे मित्रों, एक तरफ तो युवा अवस्था में आपको करियर में खूब तरक्की मिलती है, वही आपकी मेरिट लाइफ भी काफी अच्छी रहती है। कभी कभार इसमें कुछ समस्याएं आती है लेकिन आप समझदारी से काम लेते हैं तो आपका रिश्ता बहुत खुशहाल रहता है। आपको अधिकतर अपने जीवन साथी से सपोर्ट ही मिलता है। इसके अलावा दोस्तों,
आपके जीवन में भाग्योदय का समय लगभग 25 साल की आयु में शुरू हो जाता है, जो आने वाले 10 वर्षों तक बना रहता है। इस कालखंड के दौरान आपको करियर में खूब सफलता मिलती है, तरक्की प्राप्त करते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। बिजनेस करते हैं तो उसमें भी मुनाफा सबसे अधिक इसी समय के दौरान आपको मिलता है। इसके अलावा आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ भी देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब यही है कि आपके जीवन में 25 वर्ष की आयु से लेकर 35 वर्ष की आयु तक का समय फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाला होता है। दोस्तों, अभी मैंने आपको अपने बचपन और युवा अवस्था के बारे में अहम जानकारी दी है, अब आपके बुढ़ापे के बारे में भी एक अहम बात बताना चाहूँगा, जिसे ध्यान से सुनिए। आपने जितना भी हार्डवर्क जीवन भर किया होता है उसका फल आपको 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु में आकर भी मिलता है। आप खूब मान सम्मान अपने समाज और परिवार से प्राप्त करते हैं। आपको यह सम्मान इसीलिए मिलता है क्योंकि आप अपने अनुभव से लोगों को सही सलाह और नॉलेज देते हैं, जिससे दूसरों का जीवन बहुत हद तक बदल जाता है। दोस्तों, आप अपने बुढ़ापे में काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, इसीलिए आपको कम ही स्वास्थ्य की समस्याएं होती है। हाँ, कभी कभार खान पान के कारण पेट संबंधी समस्या होती है, सर्दी जुकाम होता है, लेकिन आप अपनी डाइट का ख्याल रखें तो इन समस्याओं से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लगभग पूरे जीवन के बारे में कई अहम बातें बता दी, साथ ही आपको कुछ उपाय भी सुझा रहा हूँ जो आपके जीवन को और भी बेहतर खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर अवस्था में है तो आप घर की उत्तर दिशा में पीपल का पेड़ लगाएं और पीपल को जल चढ़ाएं। इसके अलावा किसी ज्ञानी व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु या मार्गदर्शक का स्थान दें। साथ ही साथ आप हमेशा सत्य की राह पर चलें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। इन सब बातों को अमल में लाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर नजर आएगा। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।